नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबर, भारतीय किसान यूनियन के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि कड़ी धूप आ वर्षा की स्थिति में किसानों को तत्काल राहत दी जाए। मांग की गई थी कि नहरों में पानी छोड़ा जाए। अभी कुछ नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है, सभी नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। जहां भी नहरें हैं पानी छोड़ा जाए, बाढ़ सागर की सभी नहरों में पानी छोड़ा जाए। रीमा जिले के समस्त ग्रामीण अंचलों में कितने ट्रांसफार्मर जले हैं जानकारी ली जाए, जले ट्रांसफार्मर को तत्काल बदला जाए और बिजली की कटौती पर पूर्णतः रोक लगाई जाए, जिससे किसान जिनकी खेतों में धान की नर्सरी तैयारी हो रही है वह रूपा लगा सके। वहीं किसानों को जिनके किसान क्रेडिट कार्ड एवं ट्रैक्टर की किस्त देनी है उनकी तारीख भी बढ़ाई जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लगातार रीवा जिले में अवर्षा की स्थिति बनी हुई है। इतनी तेज धूप है, आप देख रहे हैं कितनी तेज धूप है, खेतों में कहीं पानी का अता पता नहीं चलता है। जहां मान लीजिए बिजली दो चार घंटे के लिए आती भी है तो खेतों में ट्यूबवेल का पानी कहीं अता पता नहीं चलता है। धान की जिन किसानों ने नर्सरी पहले डाल दी थी वो नर्सरी अब धान लगाने लायक तैयार हो गई है। आखिर किसान जाएँ तो जाएँ कहाँ? बारिश एक तरफ नहीं हो रही है, एक तरफ पूरे बाण सागर का पानी भी, जितना पानी बाण सागर में आया है उतना ही पानी को जिले के समस्त नहरों में अभी नहीं छोड़ा गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी की थी और जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन अभी सभी नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये पता लगाया जाए कि रीवा जिले में कितने ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, कितने दिनों से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, ग्रामीण अंचलों में कितने घंटे बिजली रहती है, कितने घंटे कटौती की जाती है और कटौती से लेके जले ट्रांसफार्मर का बदलने का काम करवाएं। साथ ही जो अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हों ट्रांसफार्मर बदलने में, उनको बदला जाए। किसानों को खेती विहीन ना किया जाए। पुनः हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि किसानों को उनके धान के रोपाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, इसके लिए जहां भी नहरें हैं उन सभी नहरों में पानी छोड़ा जाए, ग्रामीण अंचलों में 24 घंटे बिजली दी जाए, जले हुए ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदला जाए। साथ ही जिन किसानों के कर्ज हैं, इसी जिन्होंने कर्ज लिए हैं किसान क्रेडिट कार्ड में, जिनके ट्रैक्टरों के लोन हैं, उन सबको थोड़ा सा राहत दी जाए, क्योंकि लगातार खेती में उन्होंने भी पैसे लगा दिए हैं, लगातार अवर्षा की स्थिति बनी हुई है, पैसे आएंगे कि नहीं, खेती होगी कि नहीं अनिश्चितता है। किसान कर्जों की अदायगी तो जरूर करेंगे, उनके कर्जों की अदायगी की तारीख बढ़ाई जाए।